हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से घर पर बैठे हुए आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। तो पूरा जो प्रोसेस होता है उसका हम डेमो देखने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है इनकेस आधार पीवीसी कार्ड हमारे पास होता है तो पॉकेट में लेके उसे कहीं भी जाया जा सकता है। पहले जो आधार कार्ड हमें आता था वो काफ़ी बड़ा होता था। वैसे फैसिलिटी पहले भी दिया गया था कि हम उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको लेमिनेट करके रख सकते थे, वो भी वैलिड होता था। बट पीवीसी कार्ड में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए गए हैं। क्या फीचर्स है वो आगे हम देखेंगे इस वेबसाइट पर। सबसे पहले हमें जाना है uidi.gov.in, इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से पेज आ जाएगा। नीचे आएंगे गेट आधार का ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन में नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना। अब एक नया पेज आ गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर आधार कार्ड। यहाँ पर नीचे देखिए कुछ फीचर्स दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर लॉगिन के डिटेल्स हमें फीड करने पड़ेंगे। लॉगिन करने से पहले नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ऊपर जाएंगे लॉगिन में और सबसे पहले हम अपना आधार कार्ड नंबर इंटर कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करेंगे। नीचे एक ऑप्शन है कि क्या आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है या आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो इस बॉक्स में आपको टिक कर देना है और नीचे अपना मोबाइल नंबर भी इंटर कर देना है। अगर रजिस्टर है, जैसे कि हमारे केस में रजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। नीचे सेंड ओटीपी का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है और एक ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ गया है। इनकेस आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं तो जो भी मोबाइल नंबर आपने इंटर किया हुआ है उस पर ओटीपी आ जाएगा। अब उस ओटीपी को हमें इंटर कर देना है और उसके बाद टर्म और कंडीशन वाले बॉक्स पर क्लिक करना और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे एक नया पेज आ जाता है। यहाँ पर हमारे आधार कार्ड का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। आप पूरा डिटेल भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी डिटेल्स आपको आधार कार्ड पर चाहिए वो सब कुछ सही है या नहीं। अगर कुछ भी रॉन्ग है तो आपको अपना आधार कार्ड ऑर्डर नहीं करना है, पहले उसको सही कराना है फिर ऑर्डर करना है, यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है। तो ध्यान देना, प्रीव्यू जो ये है वो इनकेस आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तभी प्रीव्यू दिखाई देगा। इनकेस आपने अगर मैन्युअली, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं और आपने मोबाइल नंबर मैन्युअली इंटर किया हुआ है तो ऐसे केसेस में आपको ये प्रीव्यू दिखाई नहीं देगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेक पेमेंट का एक बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और ये अब हमें पेमेंट की साइट पर लेके जाएगा। यहाँ से हमें ऑप्शन चूज कर लेना है कि किस तरीके से पेमेंट करना है। हम कोटक बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करने वाले हैं। अब जो भी पेमेंट मोड हम सेलेक्ट करेंगे उसका होम पेज आ जाएगा। हम यहां पर अपना डिटेल्स इंटर कर देंगे, जैसे कि मुझे CRN नंबर और अपना पिन इंटर करना पड़ेगा और उसके बाद हम यहां पर चूज़ कर लेंगे पेमेंट के लिए और पेमेंट हम कर देंगे। ठीक है, पेमेंट हमने कर दिया और प्रोसेस भी हो गया है, हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। पेमेंट का रिसिप्ट भी यहाँ पर आ गया है, आप देख सकते हैं इसमें डेट टाइम वगैरह दिया हुआ है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है SRN नंबर, एक बहुत ही बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, इसको आपको नोट डाउन करके रखना है या तो कॉपी पेस्ट करके रखना है क्योंकि इसके बेस पर ही हम आगे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे आएंगे तो देखिए डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन है, इसको आप डाउनलोड करके रख भी सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने अपना आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर करने के बाद अब स्टेटस कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। मान लीजिए एक दो दिन के बाद अब हमें स्टेटस चेक करना है तो हमें फिर से जाना पड़ेगा uidai.gov.in की वेबसाइट पर, यहां होम पेज पर हमें फिर से जाना पड़ेगा गेट आधार वाले ऑप्शन पर। नीचे आएंगे तो अब देखिए यहां पर स्टेटस चेक करने का ऑप्शन है, चेक आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए एक पेज आ गया है, चेक आधार रीप्रिंट स्टेटस। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले इंटर करना होगा SRN, उसके बाद अपना आधार नंबर और उसके बाद कैप्चा वेरिफिकेशन कोड इंटर करना है। तो मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, आधार नंबर इंटर करूँगा, कैप्चा वेरिफिकेशन कोड और फिर चेक स्टेटस पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे हमने चेक स्टेटस पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर स्टेटस दिखाई दे रहा है, पहले SRN नंबर है उसके बाद SRN स्टेटस दिखाई दे रहा है, रिक्वेस्ट प्रोसेस्ड एंड सेंड फॉर प्रिंटिंग, ये हमारा स्टेटस दिखाई
दे रहा है। अब जब हमें पीवीसी कार्ड आ जाएगा तो उसका भी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज हमारा आधार पीवीसी कार्ड हमारे पास आ चुका है, स्पीड पोस्ट से आता है, इस तरीके से एनवलप हमें दिखाई देता है। जब ओपन करते हैं तो इस तरीके से एक लेटर आता है और नीचे आप देख सकते हैं एक कार्ड चिपका हुआ है, यही हमारा आधार पीवीसी कार्ड है। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि इस आधार पीवीसी कार्ड में क्या फीचर्स होते हैं और इस लेटर में उन सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। तो लेटर में क्या डिस्क्राइब किया गया वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जो कार्ड आपको मिलता है फ्रंट साइड में देखिए एकदम लेफ्ट साइड में यहाँ पर डेट होता है, इशू डेट, आपको सबसे पहले आधार कार्ड कब इशू किया गया था। तो हमारे केस में 2013 है कार्ड में। उसके बाद देखिए उसके बगल में एक फोटो आता है और यहाँ पर एक माइक्रो टेक्स्ट भी आता है। उसके बाद जाएंगे बीच में एक इनविजिबल लोगो आता है। जब एक्चुअल में आप अपना आधार पीवीसी कार्ड देखेंगे तो ये इनविजिबल लोगो दिखाई नहीं देता है बिल्कुल। उसके अलावा फ्रंट साइड में नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर भी दिया गया होता है कार्ड में। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक घोस्ट इमेज आता है, छोटा सा फोटो आता है और उसके नीचे हमारा आधार नंबर लिखा गया होता है। जब आपके पास कार्ड होगा तो आप देखेंगे घोस्ट इमेज के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर होलोग्राम दिखाई देता है। और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे बीच में तो यहाँ पर गिलोच पैटर्न का इमेज दिखाई देता है। अब कार्ड के बैक साइड में देखेंगे तो प्रिंट डेट आता है, किस दिन आपका कार्ड प्रिंट हुआ है, ये आधार पीवीसी कार्ड कब प्रिंट हुआ। उसके बाद एड्रेस दिया गया होता है, उसके बाद यहाँ पर भी गिलोच पैटर्न होता है और उसके बाद क्यूआर कोड यहाँ पर हमें दिखाई देता है। आधार कार्ड नंबर तो देख सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों साइड में होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, यूज़फुल होता है। आप ट्रैवल करते हैं तो आप कहीं पर भी इसको लेकर जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।